नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खबर नागौर जिले के बोराउड कस्बे से है, जहां बुधवार को बोराउड गोचर बचाओ अभियान के तहत स्थानीय गौशाला में गोचर संरक्षण व गो कल्याण संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आयोजित संगोष्ठी में गोभक्तों ने बोराउड गोचर को बचाने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि बोराउड गोचर भूमि पर अल्पसंख्यक ITI कॉलेज व छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की गई है, जिसका विरोध पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। उसी की कड़ी में आज आयोजित हुई संगोष्ठी में गोचर बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार 19 मार्च को एक दिन के लिए बोरावड के बाजार बंद रखने का व कस्बे में गो भक्तों द्वारा जनचेतना रैली निकालने व आम सभा का आयोजन करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही कमेटी का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हेतु सर्वसम्मति से गिरधर अग्रवाल व संयोजक के रूप में भागुराम आवला को सर्वसम्मति से चुना गया व सदस्य जोड़ते हुए विस्तार भी किया गया। आपको बता दें कि आयोजित संगोष्ठी को हिंदू गोरक्षा सेवा समिति के संरक्षक मोहन सिंह चौहान, नारायण सिंह मिंडकिया, भागुराम आंवला, रमेश व्यास, नितेश जैन, गणपत लाल सोलंकी, पूरनमल सुरेश कुमावत, श्याम सुंदर स्वामी, जूश्री सरपंच प्रकाश भाकर, सत्यनारायण व्यास, मदन लाल सोनी सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक ITI कॉलेज छात्रावास का विरोध नहीं है, ये बननी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार गोचर भूमि पर निर्माण करने का जो फैसला लिया गया है वह गलत है। गोचर भूमि जो राजा महाराजाओं द्वारा गोवंश के लिए व अन्य पक्षियों के लिए छोड़ी गई है वह उनके कार्य में ही उपयोग हो। गोचर पर अल्पसंख्यक ITI कॉलेज व छात्रावास का निर्माण नहीं होने देने की बात कही। इस दौरान पूर्व विधायक भवनलाल राजपुरोहित, बोरावड सरपंच भवनलाल मेघवाल, जयसिंह कोटेचा, राजीव सोलंकी, मिश्रीलाल प्रजापत, प्रकाश सोनग्रा, हरिशंकर व्यास, रवि जोशी, टीकम चंद सेन, धन्नाराम गोदारा, अशोक कुड़ी, राजू भामू, कैलाश गेलड़ा, मेवाराम आंवला, पवन सोनी, गुमानाराम कुड़ी, सीताराम सैनी, सुनील सोनी सहित गो भक्त मौजूद रहे। बोरावड से जितेंद्र सेन की विशेष रिपोर्ट।